हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब सही होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं मटर की स्पेशल रेसिपी। तो ये हैं सूखी मटर, तो इससे हम बनाएंगे आज बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो आप इसे मटर के छोले या मटर चाट भी कह सकते हैं। तो आइए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो मटर ली है वो 2 कप है। हमने इसे ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। तो मटर हमारी यहाँ पर बहुत ही अच्छी फूल कर तैयार हो चुकी है। मटर को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके बाद हम इसे बिन लेंगे। और बिनने के बाद हमने इसे कुकर में ऐड कर लिया है। अब हम मटर में पानी ऐड कर लेंगे और पानी हमें कम ही ऐड करना है। पानी आप इतना ऐड करें ताकि जो मटर है वो डूब जाए। तो पानी हमने इसमें डाल दिया है और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। यहाँ पर हमने ले लिया है थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड करें। तो यहाँ पर मैं नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही डाल रही हूँ। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ताकि जो मटर के दाने हैं उनके अंदर ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से चली जाए। और इसके बाद हम इसे अब कवर करके रख लेंगे। कुकर को हमने गैस पे रख लिया है और गैस की जो फ्लेम है उसे फुल करना है। फुल फ्लेम पर हमें लगभग इसमें 5 सीटी आने देनी है। 5 सीटी आ चुकी है और गैस की फ्लेम को हमने बंद कर लिया है। तो हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। सूखे मटर की चाट बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 प्याज का दाना और 2 टमाटर के दाने और 5 से 6 हरी मिर्च ली है। इन्हें अब हम बारीक काट लेते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने बारीक काट लिया है। मटर हमने पका ली थी और इसे हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। और आपने इसे एक ऐसे बर्तन में निकालना है जिसमें गहराई हो, ताकि जब हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करें तो ये गिरे ना। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और इसी के साथ हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है 1/2 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाले की जगह पर आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे सब्जी मसाला और थोड़ा हमने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। यहाँ पर हमने जो जीरा पाउडर लिया था वो भुना हुआ जीरा पाउडर है, तो आप सादा जीरा पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए इन चीज़ों को ऐड कर देंगे और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। और अगर आपको नमक यहाँ पर कम लग रहा है तो आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने नमक यहाँ पर स्वाद के अनुसार ही ऐड किया है, वो आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा मटर का चाट था या मटर के छोले थे वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। आई होप कि आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ताकि मैं इसी प्रकार की रेसिपी आपके लिए लेकर आती रहूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।